ये मक्का ऊंचा था तो यहाँ से आराम से जो है लोड। दोस्तों ये है दूसरा सौदा हमारा जो हुआ है फार्म से। ये अभी जानवर हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को कैटल अपडेट की एक नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों जैसा कि आज मौजूद हैं अपने जिब्राइल कैटल फार्म पर, और आप लोगों को काफ़ी दिन से वीडियो नहीं मिली होगी चैनल पे, असल में रमज़ान की वजह से कुछ मसरूफियात थी और फिर ईद का टाइम था, और आप लोगों को आज इस वीडियो में जो है कुछ चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। हमारे फार्म पर कुछ जो है वो बछड़े जो है वो सेल आउट हो चुके हैं, तो उनके बारे में बताना था आपको, और फिर दिखाते हैं कि कौन कौन से बछड़े जो है वो सेल हो गए हैं कुर्बानी के लिए, और जो है कुछ जानवर जो है वो न्यू एंट्रीज़ भी हुई हैं अपने फार्म पर, तो उनकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं और दिखाते हैं। तो चलें सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को जानवर दिखाता हूँ। एक बछड़ा जो कि आज मतलब एक दिन पहले उसका सौदा हुआ था, और आज जो है वो हमारे फार्म से चले जाएगा, और भाई वगैरह जो हैं वो गाड़ी वगैरह लेके आ रहे हैं तो वो लोड करेंगे, तो उसकी लोडिंग की वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और इंशाल्लाह ताला बाकी जो सौदे हुए हैं कुछ अभी अपने फार्म पर ही हैं तो वो भी दिखाते हैं आपको कि कौन कौन से बछड़े सेल आउट हो चुके हैं और कौन कौन से बाकी हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। चलें वीडियो कंटिन्यू करता हूँ और आप लोगों को पहला बछड़ा दिखाता हूँ जो सेल आउट हुआ है, जो आज हमारे फार्म से जा रहा है, और अगर गाड़ी आ गई साथ साथ तो उसकी भी लोडिंग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हाँ जी व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कुछ बछड़े सेल आउट हुए हैं, तो माशाल्लाह ये भाई वगैरह आ गए हैं, ये बछड़ा जो है वो ये लेके जा रहे हैं। तो पहला बछड़ा मैं दिखा रहा हूँ कि ये वाला जो बछड़ा है हमारा ये सेल आउट हो चुका है, और माशाल्लाह से भाई आ गए हैं। अब ये जो है आज इसको लेके जा रहे हैं अपने घर कुर्बानी के लिए, इंशाल्लाह ताला ये 1.5 महीने जो है वो पालेंगे। बाकी ये बछड़ा मैं खुलवाता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ और इसकी लोडिंग भी दिखाता हूँ, ठीक है जी। और ये बछड़ा खुलवा रहा हूँ, मैंने बोला इसको आप लोगों को दिखा दूँ। मुमताज़ इसको लेके आना। तो ये जो है आज हमारे फार्म से जा रहा है इंशाल्लाह ताला, जहाँ पे ये कुर्बान होगा उन वो अपने घर पे लेके जा रहे हैं, और देख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में गाड़ी भी आ गई है माशाल्लाह। ये जो बछड़ा है ये अब जो है हमारे फार्म से जा रहा है आज, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका सौदा हुआ था कल, और ये बछड़ा भाई जो है आज वो लेने आए, तो इंशाल्लाह मैंने बोला इसका एक 360 आपको दिखा दूँ कि बछड़ा कैसा तैयार हुआ हमारे पास रहा। आपने देखा इसकी जब भी आया था तब भी आपने देखा माशाल्लाह, काफ़ी हाइड्रेट बछड़ा है, ऊपर ही निकलता है। तो ये थी आज की अपडेट वीडियो में पहली, पहले जानवर के सौदे के हवाले से, तो मैंने बोला ये आप लोगों को दिखाऊँ, और बाकी जो है ये इसकी लोडिंग भी कवर करते हैं इंशाल्लाह ताला। जी व्यूअर्स, ये अब जो है बछड़ा वो फार्म से बाहर लेके आ गए हैं, क्योंकि वो फार्म के अंदर वाला जो धक्का है वो शहज़ोर के हिसाब से नहीं है, तो इस वजह से वो बाहर लेके आए। बाकी इतने सारे भाई आए हैं बछड़ा जो है वो लोड करवाने के लिए, सारे भाई हैं साथ इनके, तो ये लेके जा रहे हैं अभी आज अपने घर पर। तो इंशाल्लाह ताला ये बस उम्मीद है कि खैर खैरियत से लोड हो जाए, और खैर खैरियत से ये घर पर जाके अनलोड भी हो जाए। बाकी देखते हैं क्या होता है, आपको वीडियो जो है दिखाते हैं लोडिंग की पूरी, धक्के पे गाड़ी लगवा ली है, देखें क्या होता है। बीच में कॉल आ गई थी इस वजह से वीडियो रुक गई है, बाकी ये भी वीडियो वापस कंटिन्यू की है मैंने, ये धक्के पे गाड़ी लगाई है। अब इंशाल्लाह ताला ये धक्का ऊँचा है तो यहाँ से ईजीली उम्मीद है कि लोड हो जाएगा। ये देखिए ये मक्का ऊंचा था तो यहाँ से आराम से जो है लोड हो गया बछड़ा, तो ये मैंने बोला कि आप लोगों के साथ लोडिंग जो है वो उसकी कवर हो गई है। बाकी ये खैर खैरियत से इंशाल्लाह ताला घर पहुंच जाएगा, और उम्मीद है कि लोड भी हो जाएगा, काफ़ी सारे भाई हैं तो ये सारे मिलके कर लेंगे, बछड़ा तो शरीफ ही है। बाकी देखते हैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। जी तो व्यूअर्स वापस आ गए फार्म पर, आप लोगों ने देखा बछड़ा जो है वो लोड होके चले गए,
बस अल्लाह पाक उनकी कुर्बानी कबूल फरमाए और जो है उनको जो है बछड़े की जो है वो खैर खैरियत से वो कुर्बानी के अमल तक पहुँचे। बाकी और जो सौदे हुए हैं वो आप लोगों को एक करके दिखाता हूँ और फिर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। मुमताज़ ये जोड़ी खोलो। तो दोस्तों ये है दूसरा सौदा हमारा जो हुआ है फार्म से। ये अभी जानवर हैं हमारे पास, देखते हैं कब वो भाई जो है वो लेके जाते हैं। ये जो है पांडा जोड़ी जो थी हमारी माशाल्लाह से, ये जो है वो सेल आउट हो चुकी है। एक ही भाई हैं, उन्होंने परचेस किए हैं दोनों बछड़े जोड़ी में माशाल्लाह। तो ये अभी हमारे फार्म पर ही हैं, तो देखें कब जो है वो लोड होके ये जाएंगे। तो जब इनकी रवानगी का वक्त आएगा तो उसकी भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे माशाल्लाह। ये देखिएगा जोड़ी जो है ये अब हमारे पास से सेल आउट हो चुकी है। और जिन भाई ने लिए हैं उन्होंने कहा है कि वो नेक्स्ट ईयर तक की कुर्बानी के लिए उन्होंने लिए हैं। अब देखें क्या इरादा बनता है उनका। माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्रेस में थे ये बछड़े और हमारे फार्म की एक कह सकते हैं कि प्रीमियम जोड़ी थी ये पांडो की माशाल्लाह माशाल्लाह। ये पहली दफ़ा आप लोगों को इस तरह साथ भी दिखा रहे हैं, दोनों कभी साथ खुलवाए नहीं थे पहले वीडियो में। तो ये माशाल्लाह जो है वो दोनों सेल आउट हो चुके हैं और ये अब हमारे फार्म पर अभी फ़िलहाल मौजूद हैं। तो अभी भाई से कोई बात नहीं हुई कि वो कब लेके जाएंगे, क्या इरादा भैया हमारे पास ही पलवाएंगे। जैसी भी होगी इसकी अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो थोड़ा सा इन लोगों को चला के दिखाते हैं, तो आप लोगों को बता दें मुमताज़ लेके जाओ। वापसी थोड़ा तेज़ लेके आना, ले जाओ वापसी ले जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये एक पांडा, ये दूसरा पांडा, ये जो है अब जो है माशाल्लाह सेल आउट हो चुके हैं। बेहतरीन जोड़ी थी हमारे फार्म की और ये अल्लाह ताला जिन भाई ने भी कुर्बानी के लिए लिए हैं उनको अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी कबूल मकबूल फरमाए। बाकी ये है कि सीज़न स्टार्ट हो चुका है तो अब इसी तरह सौदे होते रहेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। और जो है लोग अपनी कुर्बानी का जानवर जो है वो लेके जाते रहेंगे और अल्लाह ताला तमाम शौकीनों को जो है वो कुर्बानी के अच्छे से अच्छा जानवर ख़रीदने की तौफीक अता फरमाए। बाकी ये हमारी मेहनत थी इन दो बछड़ों पे जो आप लोगों ने देखी, कैसी प्रोग्रेस रही है आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। बाकी इसके अलावा एक और बछड़े का सौदा हुआ है, वो भी फिर मैं आपको वीडियो कंटिन्यू करके खुलवा के दिखाता हूँ इंशाल्लाह। जी दोस्तों एक और बछड़ा जो सेल आउट हुआ है उसको भी खुलवाता हूँ और उसकी वीडियो दिखाता हूँ आप लोगों को माशाल्लाह से। ये जो है इसको हम गट्टू कहते थे। तो ये बछड़ा भी जो है जिन भाई ने पांडे की जोड़ी परचेस की है उन्होंने ही लिया है ये भी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बछड़ा है देखिएगा माशाल्लाह। और ये बछड़ा भी अब सेल आउट हो चुका है और उन्हीं भाई ने परचेस किया है जिन्होंने पांडे की जोड़ी ली है माशाल्लाह से। आप लोग बताइएगा ये बछड़ा कैसा तैयार हुआ है हमारे पास। तकरीबन इसको 5-6 महीने तकरीबन हमारे पास रहा है ये। और ये इसकी गुलाइयाँ वगैरह चेक करें माशाल्लाह, सलामी पीछे से गुलाइयाँ बेहतरीन माशाल्लाह। बहुत अच्छी प्रोग्रेस में था ये और जो है वो भाई ने वो परचेस कर लिया है तो ये भी उन्हीं के साथ जाएगा। ये भी उनका इरादा अगले साल का ही है, तो देखते हैं क्या इरादा बनता है उनका। बाकी जब वो नेक्स्ट अगर वो यहाँ फार्म से उठा रहे होंगे तो उसकी डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर होगी। बाकी ये है तो ये तीन बछड़े और एक बछड़ा जो मैंने आपको पहले दिखाया, ये चार जो है हमारे फार्म से सोल आउट हो चुके हैं और एक जो है अपनी कुर्बानी वाले भाई जो है वो लेके जा चुके हैं। तो ये थी आज की अपडेट। बाकी दो न्यू एंट्रीज़ हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, ले जाओ इस बछड़े को। बाकी ये देखें माशाल्लाह। तो ये थी सेल आउट की अपडेट। बाकी जो है वो न्यू एंट्रीज़ की वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ एक एक करके जो न्यू एंट्रीज़ हुई हैं फार्म पर और वो दिखाता हूँ फिर इंशाल्लाह वीडियो को एंड करेंगे। ये आपको न्यू एंट्री दिखाऊं जो हमारे फार्म पर हुई है। ये मुमताज़ को मैंने बोला ये खोल के लाता है तो थोड़ा सा अभी एग्रेसिव हुआ है वह, अभी फार्म पर आया है तो इस वजह से। बाकी माशाल्लाह हाइट वगैरह देखिएगा बछड़े की, बहुत बेहतरीन हाइट में माशाल्लाह। ये देखें बछड़ा पूरे फ्रेम पर माशाल्लाह। थोड़ा सा जो है वो परेशान है, नई जगह पर है तो उम्मीद है कि एक दो दिन में जो है इंशाल्लाह ताला सेट हो जाएगा। बाकी ये थी पहली इंच माशाल्लाह माशाल्लाह।
ले जाओ इसको, ये थोड़ा सा जो है ना एग्रेसिव हुआ हुआ है तो ये भाग रहा है इधर से उधर। ये था पहला बछड़ा जो हमारे फार्म पर आया है, ये भी सेल आउट के लिए अवेलेबल है और ये भी हमारे फार्म पर न्यू एंट्री थी तो मैंने बोला आप लोगों के साथ इसकी वीडियो शेयर करूं। बाकी ये है, अच्छा बछड़ा है माशाल्लाह, ये देखें ऊपर चढ़ गया, थोड़ा सा परेशान है आज, पहला दिन है इसका, इंशाल्लाह एक दो दिन में जो है वो सेट हो जाएगा। बाकी दूसरा बछड़ा भी खुलवाता हूँ, दूसरी न्यू एंट्री भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, ये दूसरा बछड़ा है जो हम लोगों ने परचेस किया है, इसकी न्यू एंट्री हुई है हमारे फार्म पर। ये देखें माशाल्लाह अबलक प्रिंट में लाल अबलक, अच्छे हाइटेड बछड़ा है माशाल्लाह। और अभी हमारे फार्म पर है, ये भी अवेलेबल फॉर सेल है, अगर किसी भाई को चाहिए तो वो नंबर पर रابطہ कर सकते हैं स्क्रीनशॉट भेजकर इसके हवाले से। और बाकी जानवर भी जो हैं वो अवेलेबल फॉर सेल हैं, जो आप हमारी वीडियोस में रेगुलर देखते रहते हैं माशाल्लाह। और ये जो है ये एक न्यू एंट्री थी, तो ये दो न्यू एंट्रीज थी जो मैंने आप लोगों को वीडियो शेयर की, ये भी इसका भी आज पहला दिन है तो ये भी थोड़ा सा घबरा रहा है। बाकी चलें इसको बनवाते हैं फिर जो है वीडियो कंटिन्यू करते हैं, ले जाओ इसको। माशाल्लाह, तो ये जो है बछड़ा, ये न्यू एंट्री थी एक। बाकी इसके अलावा जो है ये बछड़ा भी हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था खुलवाकर, ये बछड़ा और ये माशाल्लाह से ब्लैक वाला बछड़ा, ये भी अवेलेबल फॉर सेल है। तो ये दो बछड़े और दो न्यू एंट्रीज, इनके हवाले से आप रابطہ कर सकते हैं। और उसके अलावा नुखरा जो है हमारा, वो भी अवेलेबल फॉर सेल है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये गुलाबी बछड़ा माशाल्लाह, ये भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस में है और अवेलेबल फॉर सेल है। उसके अलावा ये बछड़ा भी जो है वो अवेलेबल फॉर सेल है। और इसके अलावा ये नुखरा जो है हमारा माशाल्लाह से, ये भी अवेलेबल फॉर सेल है। तो ये सारी वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बाकी इंशाल्लाह ताला इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ये थी आज की अपडेट सारी न्यू एंट्रीज़ के हवाले से और जो माल सेल आउट हुआ है उसके हवाले से भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़।